नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशले राह का फरीजा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिनाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिनाह से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिनाह ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। खौदिन हजरा, जिनाह के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिनाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिनाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिनाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन, एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह से इनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने जवाब दिया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 रुपये में मेरा मुकदमा लड़ें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो, बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चुनाचे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फ़ीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये पेश करना चाहे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिनाह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिनाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच कर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायदे आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ, और फिर मैंने इसे एक कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिख कर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दे दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की एमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी, वहाँ पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूँ इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तरह एक और वाकया जुबान जदे आम है कि एक मरतबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह अपने ड्राइवर के हमराह कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तियाब ना थी। चुनाचा इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफ़र गुजरता रहा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है,
क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। कायद आजम ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बन जाता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल ना होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। नौली फैक्ट्री के दोस्तों एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह सफर कर रहे थे और सफर के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह ये सुनकर तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जाम छुड़ाना चाही लेकिन कायद आजम इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर इनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नौली फैक्ट्री के दोस्तों मोहम्मद अली जिनाह वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मौखर कर देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज वजूद में ना आता अगर इसमें फिजान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शामिल ना होता। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी।